हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के टूल जो है वो लिस्ट में उपलब्ध होते हैं और उस लिस्ट के अनुसार जो है हम इन टूल्स का अध्ययन करते हैं। रूल वुडन 4 फोल्ड 60 सेंटीमीटर, तो ये इसके 4 फोल्ड हो सकते हैं, इसके इस तरह से जो है 4 फोल्ड हो सकते हैं, और ये 60 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास स्केल 30 सेंटीमीटर का एक स्केल है, तो 30 और 30 60, तो ये 60 सेंटीमीटर का प्लायर इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए कि आगे वाली जो जगह है ये पकड़ने के काम में आती है, बारीक जगह है, ये पतली चीज हम इससे पकड़ सकते हैं, और बीच वाली जगह से हम पकड़ के घुमा सकते हैं, कोई चीज़ को पकड़ के घुमाना हो। पकड़ के घुमा सकते हैं इस वाली जगह से, और लास्ट वाली जगह से जो है हम यहाँ से काट सकते हैं। तो इससे 3 काम हो गए, आगे वाली जगह से बारीक चीज़ पकड़ना, बीच वाली जगह से घुमाना और लास्ट वाली जगह से काटना, तो इसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। इसकी साइज जो है वो इस तरह से नाप के ली जाती है, 150 mm या 15 सेंटीमीटर। साइड कटिंग प्लायर, ये प्लायर जो है आगे से तारों को काटने के काम में आता है, जब स्विच में तार लगे रहते हैं तो एक्स्ट्रा जो तार है उसको काटने में काम आता है, क्योंकि इस ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है इससे हम तार को आगे से नहीं काट सकते, आगे तो केवल पकड़ सकते हैं, तार को हम आगे तो इसी से काट सकते हैं, इस तरह से पकड़ के हम तार को काट देते हैं। तो ये प्लायर साइड कटिंग है। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस या स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, इसकी आगे की टिप जो है वो बिल्कुल नुकीली नहीं होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए यहाँ से आगे की टिप जो है, और इसकी साइज जो है हम इसका हैंडल छोड़ के उसके बाद में लेते हैं, हैंडल छोड़ने के बाद में इसकी साइज हम लेते हैं 150 mm या 15 सेंटीमीटर। ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये थिन स्टीम यानी पतली स्टीम है, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर या 100 mm। ये स्क्रू ड्राइवर जो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है, 250 mm इसकी लंबाई है, तो लंबाई हम जो है यहाँ से नापते हैं इसकी। पंच सेंटर, मेटल की जगह पर जो है मार्किंग करने के काम में आता है, ये सेंटर पंच बोलते हैं इसको। ये जो है इलेक्ट्रिशियन नाइफ है डबल ब्लेड का, इसमें 2 ब्लेडें हैं, एक ब्लेड तो ये है और एक ब्लेड इस साइड में, एक ब्लेड तो छीलने के काम में आता है और दूसरा इंसुलेशन को उतारने के काम में आता है। नियॉन टेस्टर, फेज को टेस्ट करने के काम में आता है ये, कि अभी फेज आ रहा है या नहीं आ रहा। रूल स्टील, ये जो है रूल स्टील है, इसके पश्चात 60 NN लकड़ी काटने की आ रही है, ये इसकी साइज जो है वो इस तरह से लेते हैं हम 250। इसके पश्चात क्रॉस पैन हैमर, इसका जो ये जो सिरा है ये क्रॉस पैन की तरह है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस पैन हैमर, वजन से आता है ये, 115 ग्राम इसका वजन है। यदि इसका आगे का सिरा गेंद की तरह होता है इसे हम बाल पेन हैमर बोलेंगे, और इसका वजन जो है वो 1.25 किलो वजन है। फर्मर चीजल वुड, लकड़ी की जो बैटन्स वगैरह को काटने के काम में आता है ये जो है इसकी चौड़ाई से आती है 6 mm और ये 25 mm, हम यहाँ से नापेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहाँ से नापेंगे। जिमलेट, ये इसकी साइज जो है इसकी मोटाई से ली जाती है, कितना मोटा छेद ये कर सकता है उसके अनुसार ये इसकी साइज ली जाती है जिमलेट। इसमें हम एक लकड़ी का हैंडल लगा लेते हैं। ब्रोडावल, जब हम कभी लकड़ी में ड्रिल मशीन चलाते हैं तो गाइड ऑल करने के लिए जो है ये ब्रोडावल काम में लिया जाता है, गाइड ऑल करने के लिए काम में लिया जाता है। ये स्क्राइबर है,
जो है कठोर जगह पर, लोहे की वाली जगह पर जो है मार्किंग करने के काम में आता है स्क्राइबर। इस तरह से जो है मार्किंग कर लेते हैं, इस तरह से हम इस पर मार्किंग करते हैं। पिंसर कील उफाड़ने के काम में आता है। ये जब कील को हमें निकालना हो तो सबसे पहले हम इसमें जो है यहाँ पर ये जो इसके दो मुंह खुले हुए हैं, कील जब कहीं लगी हो तो उसमें हम यूँ लगा के कील को निकाल लेंगे और फिर इससे पकड़ के इसको इस तरह से घुमाएंगे तो कील निकल के बाहर आ जाएगी। सी क्लैंप 100 mm, 150 mm और 200 mm, ये सी क्लैंप है। इसमें पकड़ करके हम जो है किसी भी वस्तु को जो है पकड़ के टाइट कर सकते हैं। जैसे सनमाइका जब लगाते हैं, कारपेंटर सनमाइका लगाता है तो उस सनमाइका को टाइट करने के लिए यहाँ लगा के बांध देते हैं इसको। स्पिनर सेट, एडजस्टेबल स्पिनर सेट, ये जो स्पिनर है वो एडजस्टेबल है, यहाँ से हम जो है एडजस्ट करके प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम एडजस्टेबल स्पिनर सेट है। 150 mm इसकी लंबाई के अनुसार जो है ये 150 mm का है। ये ब्लो लैंप है, जब हम सोल्डरिंग करने का लिए काम लेते हैं उस वक्त इसको हम प्रयोग करते हैं। कैरोसिन तेल से ये चलता है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप सोल्डरिंग करते समय सोल्डर को पिघलाने के लिए ये काम में आता है, इसको हम मेल्टिंग पॉट कहते हैं। इस बर्तन के अंदर हम जो है सोल्डर को डाल के पिघल लेते हैं और फिर इसके बाद में जो है ये लेडल, इस लेडल कच्छी के द्वारा जो है हम पिघला हुआ सोल्डर जॉब पर डाल के और उस पर सोल्डरिंग कर देते हैं। कोल्ड चीजल पत्थर को काटने के काम में आती है कोल्ड चीजल, और इसकी साइज इसकी चौड़ाई से ली जाती है, आगे के सिरे की चौड़ाई से इसकी साइज ली जाती है 12 mm 20 mm। ड्रिल मशीन हैंड, इसकी कैपेसिटी इसकी आगे वाली नोक से ली जाती है, 6 mm की कैपेसिटी इसकी है। हैंड ड्रिल मशीन हाथ से चलती है ये ड्रिल मशीन, इस तरह से ये हाथ से ड्रिल मशीन चलती है। उल्टी चला रहे हो तुम इसको। फिर इसके बाद में ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ये ड्रिल मशीन बिजली से चलती है, इसकी कैपेसिटी भी जो है ये कितना मोटा बिट जो है इसमें लगाया जा सकता है उसके अनुसार ली जा सकती है, तो ये 6 mm तक की कैपेसिटी का है। ये एलन की है, एलन की सेट है, जिस जगह हम जो है डी स्पिनर या वो नहीं लगा सकते, सरफेस के अंदर कोई चीज़ हो नट उस जगह हम एलन स्क्रू प्रयोग करते हैं। ऑयल कैन तेल देने के लिए काम में लेते हैं हम इसको। ग्रीस गन बेरिंग इत्यादि में जो है ग्रीस सप्लाई करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, इसमें हम ग्रीस भर के पाइप के द्वारा प्रयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर तार की मोटाई नापने के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर इसको कहते हैं हम। खोलो इसको, यहाँ इस जगह पर हम जो है वायर लगा के और उसकी साइज नाप लेते हैं। पुल्ली पुलर, पुल्ली को पकड़ के बाहर खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कि ये जो आगे वाली जो जगह है वो शाफ्ट पे टच हो जाती है और इसको हम खोल लेते हैं पूरा खोल करके, और ये वाले जो सिरे हैं ये जो है पुल्ली में अटक जाते हैं, और फिर जब हम इसको स्पिनर से टाइट करते हैं तो पुल्ली को पकड़ कर ये शाफ्ट में से बाहर ले आते हैं। सीजर ब्लेड कैंची, कपड़ा काटने के लिए और इंसुलेशन पेपर इत्यादि काटने के लिए, स्लीव काटने के लिए प्रयोग की जाती है। क्रिम्पिंग टूल लग लगाने के काम में आता है, ये क्रिम्पिंग टूल, इससे हम हमारे वायर और केबल के सिरों पर लग लगाते हैं। वायर स्ट्रिपर तार छीलने के काम में आता है, ये इसको हम वायर स्ट्रिपर कहते हैं, ये ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है, मैनुअल वायर स्ट्रिपर भी आता है। मैलेट हार्डवुड, जब हम चद्दर पर काम करते हैं तब हम हथौड़ी की बजाय लकड़ी के मैलेट का प्रयोग करते हैं ठोकने इत्यादि काम करने के लिए। हेमर एक्सेप्टर ट्राइक, ये जो हेमर है इससे हम जो है कि किले इत्यादि जो है वो बाहर निकाल सकते हैं।
हेक्सा फ्रेम, ये जो है हेक्सा फ्रेम है ये लोहा काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जो दांते हैं वो आगे की तरफ रखे जाते हैं। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री में नापने के काम में आता है ये। इस तरह से जो है 90 डिग्री में हम नाप सकते हैं और इसकी साइज इसकी ब्लेड से ली जाती है। इसके इसकी ब्लेड जो है इसकी ब्लेड से इसकी साइज ली जाती है। जैसे ये 130 सेंटीमीटर का है। फिर इसके बाद में ये डिवाइडर आउटसाइड, ये बाहर की चीज़ नापने के काम में आता है और इनसाइड में जो है अंदर की चीज़ नापने के काम में आता है, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। फ्लायर फ्लैट नोज, इसकी आगे की सतह जो है फ्लैट है इसलिए हम इसको फ्लैट नोज बोलते हैं। फ्लायर गैस, गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए जो है जिस प्लायर को हम प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं प्लायर गैस। क्योंकि सामान्य प्लायर से कोई गर्म वस्तु पकड़ेंगे तो उसकी आगे के जो एज है वो उसकी हार्डिंग खत्म हो जाती है, इसलिए हम गैस प्लायर का प्रयोग करते हैं। चिमटी को हम ट्वीजर बोलते हैं, बारीक चीज़ हल्की चीज़ पकड़ने के काम में आती है ट्वीजर। स्निप बेंच, स्निप स्ट्रेट, ये जो है लोहे की चद्दर को काटने के काम में आता है, इसको हम कहते हैं स्निप स्ट्रेट। अगर हमें लोहे की चद्दर को गोलाई में काटना हो तो हम वहाँ पर स्निप बेंच का प्रयोग करेंगे। ये जो है कर्व की आकृति में है, इससे हम गोलाई में भी काट सकते हैं। डबल एंडेड स्पिनर, इसमें दो एंड है, एक स्पिनर के दो एंड है, इसलिए हम इसको डबल एंडेड स्पिनर बोलते हैं। ये जो ड्रिल SS ट्विस्ट, ड्रिल बिटें हैं, ये छेद करने के काम में आती है, हार्ड स्टील की होती है और ड्रिल को काम में लेते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, पानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी में तेल मिला के जो बनाते हैं उसको हम कूलेंट कहते हैं। प्लेन स्मूथिंग, ये हमारे जब लकड़ी का काम करते हैं बोर्ड इत्यादि बैटन वगैरह उनको हम जो है प्लेन कर सकते हैं रंधा दे करके, और इसकी साइज इसकी चौड़ाई से आती है। यहाँ इसकी चौड़ाई से इसकी साइज जो है वो ली जाती है। इसकी चौड़ाई जो है 50 mm इसकी साइज है। वायर गेज, ब्रिटिश प्रणाली में तार की साइज नापने के लिए वायर गेज प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG बोलते हैं इसको। फाइल फ्लैट, ये जो है फ्लैट फाइल है, दिखने में ये फ्लैट है इसलिए इसका नाम फ्लैट फाइल है। और ये फाइल जो है हाफ राउंड, आधे चंद्रमा की तरह ये फाइल है, हम इसको देखें तो ये आधे चंद्रमा की तरह दिखाई देती है। इसके दांते भी जो है ना काफ़ी मोटे हैं, ये लकड़ी में छीलने के काम में आती है इसलिए इसको हम रास्प कट फाइल बोलते हैं। ये फाइल गोल है इसलिए हम इसको राउंड फाइल बोलते हैं। फाइल के दांतों के आधार पर जो है हम इसको स्मूथ, रफ, बास्टर्ड इत्यादि बोलते हैं। स्मूथ फाइल में दांते पास पास में होते हैं और दांते अगर एक लाइन में होंगे तो उसको हम सिंगल कट बोलते हैं, और दो लाइन में होंगे ना डबल लाइन में तो उसको हम डबल कट बोलते हैं। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन जो है वो हमारे वायर इत्यादि को जॉइंट करने के काम में आता है। सोल्डरिंग आयरन वाट के हिसाब से आता है, ये सोल्डरिंग आयरन 25 वाट का है और ये सोल्डरिंग आयरन 125 वाट का है। सोल्डरिंग आयरन की आगे की बीट हम खराब हो जाती है तो बदल देते हैं, ये कॉपर की होती है, ये जो आगे की बीट है ये कॉपर की होती है, ख़राब होने पर हम रिप्लेस कर देते हैं। ये जो शोल्डर आयरन है ये कॉपर की बीट का बना हुआ है, इसको हम कोयले में गर्म करके काम में लेते हैं, इसको हम कॉपर बीट सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। हैंड वॉइस, जब हम हाथ से तार इत्यादि का जब जॉइंट बनाते हैं बेयर कंडक्टर का, उस वक्त हम हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसकी जॉ पकड़ने वाली जगह जो है वो 50 mm चौड़ाई में है, यहाँ नाप के बताओ, ये इसकी जॉ हो गई 50। ये पाइप कटर है, पाइप को काटने के काम में आता है पाइप कटर। इसमें हम जो है यहाँ पर बीच में पाइप लगा लेते हैं। चप्पल पहन के आ गया तू, हट जाए यहाँ से। इसमें हम पाइप लगा करके और फिर इसको घुमाते रहते हैं तो ये पाइप को काट देता है।
स्टोक एंड डाई कंड्यूट। पाइप में चूड़ियां निकालने के काम में आता है ये, तो इसमें यहाँ पर चूड़ियां होती है और इससे हम जो है लोहे के कंड्यूट पाइप के अंदर चूड़ियां लगाते हैं। ये जो डाई है वो इसके अंदर फिट हो जाती है और फिर ये हैंडल लगा करके हम जो है पाइप में घुमा करके इससे चूड़ियां निकालते हैं। मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर है जिसे हम विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ नाप सकते हैं। मीटर के बारे में हमने अलग से पूरा अध्ययन किया हुआ है। सीटी करंट ट्रांसफार्मर होता है, जिस केबल का हमें तार धारा नापनी हो वो तार जो है इस केबल के इस सीटी के अंदर से चला जाता है और एसी धाराएं नाप सकता है ये केबल। बेंच वाइज और पाइप वाइज, ये बेंच वाइज है, इसकी साइज जो इसकी जा से नाप के ली जाती है। ये जो है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm इसकी साइज है इसकी। और ये पाइप वाइज है, इसमें पकड़ के हम पाइप को पकड़ते हैं और इसलिए हम इसको पाइप वाइज कहते हैं, गोल वस्तु को पकड़ते हैं हम। टैकोमीटर, आरपीएम, मोटर के आरपीएम नापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक चमकने वाली जो है हमारे पास टेप भी है, वो टेप हम शाफ्ट पर चिपका देते हैं तो ऑप्टिकल सेंसर जो है उसको सेंस कर लेता है। प्लेयर राउंड नोज, ये जो है राउंड नोज प्लेयर है, आगे से गोल है इसलिए हम इसको राउंड नोज प्लेयर बोलते हैं। लिमिट स्विच, जब हम कोई मोटर किसी मशीन पे हम बताते हैं कि भाई हम उस जगह पहुंच चुकी, वो मशीन वो डिसाइड करने के लिए लिमिट स्विच लगते हैं, तो वो मशीन जब यहाँ पहुँचेगी और इसको टच करेगी तो ये आगे इन्फॉर्मेशन दे देती है कि भाई मशीन यहाँ तक पहुँच चुकी है। रैचिट बिट ब्रश, ये रैचिट बिट ब्रश है, इसको जो है इसमें आगे बिट लगा दी जाती है, पकड़ो इसको और इसको इस तरह से पकड़ के चलाया जाता है तो ये छेद हो जाता है। कोने वाली जगह जो दीवार में कहीं कोने में हो तो हम इसको ऐसे करके भी छेद निकाल सकते हैं। जहाँ ड्रिल मशीन नहीं चल सकती वहाँ रैचिट बिट ब्रश का प्रयोग करते हैं। ये जो ड्रिल मशीन है, ये ब्रश ड्रिल मशीन है, इसके पीछे वाली जगह जो है मनुष्य अपनी छाती पे टच कर लेता है ये, और फिर ड्रिल मशीन करता है तो दबाव जो है वो आसानी से डाला जा सकता है, इसको हम रैचिट बिट ब्रश बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हमने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिशियन के काम आने वाले टूल्स का अध्ययन किया। एक बार फिर से हम इनका नाम ले लेते हैं। रूल वुडन फोर फुट प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, प्लायर साइड कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, पंच सेंटर, नाइफ डबल ब्लेड, नियोन टेस्टर, स्टील रूल, टेनंसा, क्रॉस पैन हैमर, बाल पैन हैमर, फर्मर चीजल, जिमलेट, ब्रोडाल, स्क्राइबर, पिंसर, सी क्लैंप, एडजस्टेबल स्पिनर, ब्लो लैंप, मेल्टिंग पॉट, लैडल और कोल्ड चीजल, हैंड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, एलन की सेट, ऑयल कैन, ग्रीस गन, आउटसाइड माइक्रोमीटर, पुल्ली पुलर, सीजर ब्लेड, कैंची, क्रिम्पिंग टूल, वायर स्ट्रिपर, ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर, मैलेट हार्डवुड, हेमर एक्सेक्ट्रा टाइप, एक्सा फ्रेम,
लोहा काटने की आरी, ट्राई स्क्वायर डिवाइडर आउटसाइड एंड इनसाइड, प्लायर फ्लैट नोच, प्लायर गैस गर्म चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, ट्वीजर चिमटी, स्निप स्ट्रेट स्टील की चादरों को काटने के काम में आता है, स्निप बैंड चादर को गोलाई में काटने के काम में आता है, डी स्पेनर डबल एंडेड स्पेनर, ड्रिल बिट्स एसएस ट्विस्ट ड्रिल बिट्स, प्लेन स्मूथिंग आयरन प्लेन जो है लकड़ी को रंदाई करने के काम में आता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, फाइल फ्लैट, हाफ राउंड फाइल रास्ट कट, फाइल राउंड, सोल्डरिंग आयरन 125 वाट और 25 वाट, 125 वाट और 25 वाट, कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन जो कि कोयले में गर्म करके काम में लिया जाएगा, हैंड वाइज बेयर कंडक्टर के जॉइंट बनाते समय प्रयोग करते हैं, पाइप कटर पाइप को काटने के काम में आता है, पाइप में चूड़ियाँ निकालने के लिए स्टॉक एंड डाई कंड्यूट, मल्टीमीटर सिटी।